हेलो गाइस, परिवार के सभी सदस्यों को मैं संदीप कुमार शुक्ला नमस्कार करता हूँ। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। ये हमारा वर्दी वाली क्लास है जिसमें हम UPSI, BSI, MP कांस्टेबल, MPSI आने वाली है, जितनी वर्दी वाली नौकरी है, दिल्ली पुलिस सारा का सारा कवर करेंगे। ठीक है, मैं फिर से बोल दूँ मेरी कितनी क्लास होती है दिन में। मेरी क्लास की बात करूँ, एक क्लास सुबह आती है 8 बजे, 8 AM में करंट अफेयर्स की क्लास आती है, 9 AM में मेरी ट्रिक वाली क्लास आती है, 12 बजे मेरे हरियाणा वाली क्लास आती है। हरियाणा वाली क्लास में मॉक टेस्ट करा रहा हूँ, ढेर सारे क्वेश्चंस, मल्टीपल क्वेश्चंस हैं तो देख लीजिएगा। 2 बजे रेलवे की क्लास आती है, यहाँ पर पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ। 5 बजे SSC क्लास आती है, यहाँ पर मैं हिस्ट्री करा रहा हूँ। उसके बाद में 8 बजे आती है वर्दी वाली क्लास, यहाँ पर मैं क्या करा रहा हूँ, ज्योग्राफी करा रहा हूँ। ठीक है, और 12 बजे आता है संदीप सर का GK खजाना। टोटल मिलाकर देखेंगे तो ये करीब 3 से 3.5 घंटे का खेल है। 3.5 घंटे करीब का GK हो जाता है। 3 से 3.5 घंटे जो GK मेरे साथ कर लेगा, मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, ये मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। आप जो बच्चे मुझे पहले जानते हैं, 1 साल से मेरे जुड़े हो, जानते हैं कि अगर 3 महीना अच्छे से कर लीजिएगा तो आपकी चीज़ें कवर हो जाएंगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाकी ये ढेर सारे क्वेश्चन हर जगह क्वेश्चन कर रहे हैं। थ्योरी वाली क्लास भी जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, वेरी 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 सून। ठीक है, तो चिंता मत कीजिएगा, बस वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। PDF की दिक्कत आ रही, देखो बेटा PDF जो 12 बजे वाली क्लास का PDF तो दे ही रहा हूँ मैं, वो आपका टेलीग्राम में मिल रहा है। नीचे लिंक है वीडियो के, लिंक से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। एक दूसरा, कुछ क्लासेस की PDF नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा कंटेंट टीम और ट्राइवेश नहीं है मेरे पास में, खुद ही सब कुछ मुझे करना पड़ रहा है, तो वो जैसे ही हो जाएगा सारा देना चालू कर देंगे। ठीक है, PDF की चिंता मत कीजिए, सारी PDF मिलेंगी। अगर मैंने PDF पहले डाल दी होगी, अगर आपको नहीं मिली होगी तो वो भी मिल जाएगी, चिंता नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज हम क्या करेंगे, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाला हूँ ज्योग्राफी में, बहुत कन्फ्यूजन है। वैसे पहले ज्योग्राफी क्वेश्चन कराने वाला था यहाँ पे 25-30 क्वेश्चन, फिर मुझे लगा नहीं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूँ तब उसके बाद में क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान सुनना, वीडियो लाइक करना, वीडियो शेयर किए बिना मत जाइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट, लास्ट तक बैठिएगा। ये है भाई साहब आपका ग्लोब, क्या है ये, है आपका ग्लोब। ठीक है, चलिए ये जो ग्लोब होता है, ग्लोब में आप देखें कुछ लाइंस ऐसी होती हैं, आपने देखा होगा कुछ लाइंस ऐसी होती हैं और कुछ लाइंस ऐसी होती हैं। क्या होती हैं ऐसी लाइंस, क्या है, कौन है? सबसे फर्स्ट तो बिल्कुल बेसिक जान लीजिए कि जो लेटी हुई लाइंस हैं, ये जो लाइंस हैं, ये जो लेटी हुई लाइंस हैं, इनको बोलते हैं लैटीट्यूड। क्या बोलते हैं? लैटीट्यूड लाइंस। क्या बोलते हैं? लैटीट्यूड लाइंस। क्लियर है? जितनी लेटी हुई रेखाएं हैं सारी की सारी, 1, 2, 3, 4 ढेर सारी हैं, अभी नंबरिंग करा दूंगा कितनी होती है, क्वेश्चन पूछता है। दूसरा, जो खड़ी लाइंस हैं ऐसा, अच्छा लैटीट्यूड लाइंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं। क्लियर, लैटीट्यूड लाइंस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। क्लियर, चलिए उसके बाद में जो रेखाएं लंबवत होती, ऐसी होती, ऐसी ऐसी होती हैं कुछ रेखाएं, ढेर सारी रेखाएं ऐसी होती हैं, ऐसा ऐसा ऐसा, इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। क्लियर है, इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। कहां पर लिख दें लॉन्गिट्यूड, नेक्स्ट वाले पेज लिख देता हूं, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। डन, चलिए ठीक है, तो लैटीट्यूड क्लियर हो गया, लैटीट्यूड लाइंस क्लियर हो गया। ग्लोब में जो लेटी हुई रेखाएं हैं, जो ग्लोब में लेटी हुई रेखाएं हैं उनको लैटीट्यूड बोलते हैं, और जो लंबी रेखाएं हैं उनको लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। क्लियर होगी बात, आसान है। चलिए अब आगे चलते हैं, चलिए अब आगे चलें, आगे चलते हैं कि ये लैटीट्यूड लाइंस लॉन्गिट्यूड लाइंस डिसाइड कैसे होती है। देखिए ग्लोब में अगर आप ये ग्लोब बनाते हैं, हालांकि गोला मुझे अच्छे से बनाना नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा। ग्लोब में एक इमेजिनरी लाइन मानी जाती है 0 डिग्री की, लैटीट्यूड लाइन मानी जाती है। ठीक है, उस वक्त करते क्या है कि इसमें एंगल्स डिवाइड करते हैं। कैसे? मान लीजिए आपने बचपन में चांदा देखा है, चांदा, अगर आपने बचपन में चांदा देखा तो ठीक है, यहां मैं देखता हूं अगर बना होगा तो, नहीं बना ना, आपने बचपन में यह देखा होगा, क्या आपने ऐसा देखा था, ऐसा डी आता था, डी यहां पर यह 90 होता था, यह 80 होता था, यह ऐसा 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 निशान होते थे, देखा है ना। इसको मान लीजिए आप पॉइंट ए, इसको पॉइंट बी और इसका पॉइंट सी मान लिया। अब इसको आप डी को उठाइए, और डी को उठाने के बाद में पॉइंट ए को आप यहां पर रख दीजिए, कहां पर, यहां पे, तो ये ऐसा बन जाएगा, ये पॉइंट ए, ये देखो ना, इस पॉइंट को आपने चांदा, हमारे यहां पे चांदा बोलते हैं, डी भी बोलते हैं, इसको आपने उठा के ऐसे रख दिया, ऊपर रख दिया। उसके बाद में कोई भी लाइन मान लीजिए 30 मानते हैं, चलो तो ये 30 डिग्री का एंगल आपने यहां से एक लाइन खींच दी, यहां पर 30 डिग्री हो गया, कितना 30 डिग्री हो गया, हो गया। सेम ऐसे ही इस डी को फिर से उठाइए और अब यहां पे रखिए ए पॉइंट को, तो ऐसा बन जाएगा, बना, यहां से भी एक 30 डिग्री एंगल ऐसा मार दीजिए, ऐसा कुछ, बिल्कुल रफ बना रहा हूं, यहां भी 30 डिग्री हो गया, हो गया। अब एक काम कीजिए,
इरेजर उठाइए और ये सारा का सारा बीच में जो भी उसको सबको मिटा दीजिए। और क्यों मिटा दीजिए अभी बताता हूँ मैं। ये मैंने मिटा दिया, सारा मिटा दिया। अब एक काम कीजिए, इस लाइन को मिला दीजिए। ये लीजिए, ये बन गई हमारी 30 डिग्री लैटिट्यूड लाइन। ऐसे ही आप 1 डिग्री लैटिट्यूड लाइन, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री जाकर के 90 डिग्री तक बना सकते हैं। कितने डिग्री तक? 90 डिग्री तक। यहाँ भी सेम 90 डिग्री तक बना सकते हैं। पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि लैटिट्यूड बनाते कैसे हैं, समय आगे कैसे बनाते हैं। मैंने एक एग्जांपल 30 का दे दिया है, 40, 50, 60, 70, 80, 1, 2, 3, 4, 5 सारा समझ में आ गया हो कैसे बनते हैं। चलिए क्लियर है। चलिए ये जो 0 डिग्री बनाया है, ये इमेजिनरी लाइन है, इसका नाम क्या है? ध्यान सुनना, ये जो 0 डिग्री आपने बनाया है इमेजिनरी लाइन को, इसके 3-4 नाम हैं। क्या क्या नाम है भाई साहब? एक बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा, ठीक है। दूसरा इसका नाम है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, ठीक है। तीसरा नाम है इसका 0 डिग्री लैटिट्यूड, और चौथा नाम है इक्वेटर। क्या नाम है? इक्वेटर। इस पर लिंक चेक कर लीजिएगा, शायद ऐसी होगा, इक्वेटर। क्लियर है। ये जो 0 डिग्री लाइन है, इसके 4 नाम कौन कौन से हैं? भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, 0 डिग्री लाइन और इक्वेटर। इसको बोलते हैं लैटिट्यूड लाइन। आसान है, सिंपल है। चलिए उसके बाद में ये जो ग्लोब हमने बनाया, ध्यान से एक एक लाइन बताऊंगा, क्लास पूरी देख लो, उसमें डाउट नहीं रह जाएगा, चिंता मत करना, सारा कंप्लीट कर लो, डाउट नहीं रह जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद में ये जो लाइन आपने बनाई 0 डिग्री बनाई आपने, इसके नॉर्थ का जितना एरिया है उसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब उत्तरी गोलार्ध, और साउथ वाले एरिया को बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर, मतलब दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। डन। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री लाइन जो है इसी ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को ऊपर, या एक और यहां पर ऊपर नीचे मत करना, यहां पर नॉर्थ और साउथ करना, क्योंकि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, है ना। तो आप ऊपर नीचे मत करना, टेक्निकली गलत हो जाएगा। आप इसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल कर दो, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर। 0 डिग्री के नॉर्थ वाला एरिया कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और साउथ वाला एरिया कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध, साउदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर है, आसान है। चलिए डन ना। चलिए अब सवाल आता है कि ये जो लैटिट्यूड लाइंस होती हैं, ये जो लैटिट्यूड लाइंस होती हैं, तो लैटिट्यूड लाइंस और लैटिट्यूड क्या होता है? फिर से, लैटिट्यूड और लैटिट्यूड लाइंस में अंतर क्या है? लैटिट्यूड और लैटिट्यूड लाइंस में क्या अंतर है? लैटिट्यूड का मतलब होता है अक्षांश, और लैटिट्यूड लाइन का मतलब होता है अक्षांश रेखाएं। क्या होता है? अक्षांश रेखाएं। डन ना। चलिए ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अक्षांश क्या होता है? जो मैंने ये बनाया ना, जो मैंने ये बनाया 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लैटिट्यूड, 20 डिग्री लैटिट्यूड, 40 डिग्री लैटिट्यूड, ये 30 डिग्री लैटिट्यूड है। लेकिन जब मैंने लाइन आपस में खींच दी ना, तो ये बन गया लैटिट्यूड लाइन। 30 डिग्री, 40 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री लैटिट्यूड है, लेकिन जब मैंने लाइन खींच दी तो बन गया लैटिट्यूड लाइन, मतलब अक्षांश रेखाएं। क्लियर है? अक्षांश और अक्षांश रेखा में अंतर क्लियर है? लैटिट्यूड लैटिट्यूड में अंतर क्लियर है? चलिए इतना आसान है, अब आगे चलते हैं। अब सवाल ये आता है, इनकी संख्या कितनी होती है? लैटिट्यूड की संख्या कितनी होती है? हमेशा क्वेश्चन पूछता है। एक होता है 0 डिग्री, कितना? 0 डिग्री। उसके ऊपर ढेर सारी लाइंस होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 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
एक दो तीन चार पांच पढ़ते जाओ पढ़ते बढ़ जाओ 90 तक यहां जाता है। अब क्वेश्चन दो पूछेगा आपसे, क्वेश्चन दो पूछेगा, एक क्वेश्चन पूछेगा कि लैटिट्यूड की संख्या कितनी होती है, लैटिट्यूड की संख्या कितनी होती है, और दूसरा पूछेगा कि लैटिट्यूड लाइंस की संख्या कितनी होती है, लैटिट्यूड लाइंस। देखिए ध्यान सुनना, लैटिट्यूड कितने, लैटिट्यूड लाइंस कितनी, ये है आपका जीरो डिग्री, तो एक हो गया, जीरो डिग्री मतलब एक लाइन हो गई ना, जीरो डिग्री एक हो गया, एक डिग्री तो काउंट करोगे ना, है तो जीरो डिग्री काउंट तो करोगे, डिग्री ऊपर 90, नॉर्थ में 90, साउथ में 90, तो कितने हो गए 90 प्लस 90, तो ये हो गया 180 और ये हो गया मतलब 181। अगर आपसे पूछे कि लैटिट्यूड कितने होते हैं तो आप बोलोगे 181 होते हैं। कैसे, देखो जीरो डिग्री है, एक काउंट करोगे, 90 ऊपर 90 नीचे, 90 नॉर्थ में 90 साउथ में, तो 90 प्लस 90
180 और एक 0 डिग्री है तो लेटीट्यूड ना, तो 181 हो गए। अगर आपसे बोले लेटीट्यूड कितने होते तो आप बोलोगे 181 होते हैं। अगर आपसे बोले लेटीट्यूड लाइंस कितनी होती हैं, अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, तो अब सेम वही एक लाइन हो गई 0 डिग्री वाली, ठीक है, प्लस 90 लाइंस ऊपर हो गई और 90 लाइंस नीचे हो गई, कितना हो गया 181। लेकिन ध्यान से, लेकिन ये जो 90 डिग्री है ना नॉर्थ पोल का और जो 90 डिग्री साउथ पोल का है, ये लाइन नहीं है, पॉइंट है। ये लाइन नहीं है, पॉइंट है। इस कारण से एक इसको और इसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने 90 काउंट किया ना, एक ऊपर वाले को एक नीचे वाले को, नॉर्थ को साउथ को माइनस करना पड़ेगा। ये हो जाएगा कितना आपका 179। क्लियर ना? तो अगर आपसे पूछे लेटीट्यूड कितने होते तो आप बोलोगे 181 होते हैं, और लेटीट्यूड लाइंस कितनी होती तो आप बोलोगे 179 होते हैं। समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है पूरा समझ में आ गया होगा, नहीं हो तो याद कर लीजिएगा। क्लियर है? लेटीट्यूड क्लियर, लेटीट्यूड लाइंस क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट आता है कि कुछ इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड लाइंस होती हैं, वो इंपॉर्टेंट याद करना है। एक तो हो गया 0 डिग्री, मैंने इसका नाम बता दिया आपको, क्या क्या होता है इसका, इक्वेटर, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा और आपका 0 डिग्री लाइन। एक होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ और एक होता है 23.5 डिग्री साउथ। आप बोलोगे सर नॉर्थ साउथ क्यों लिख रहे हो, अरे 0 डिग्री नॉर्थ में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्थ लिखेंगे। 0 डिग्री साउथ में साउदर्न हेमिस्फीयर है, साउथ लिखेंगे। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी गोलार्ध, साउदर्न हेमिस्फीयर मतलब दक्षिणी गोलार्ध। एक ये होता है, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो 23.5 डिग्री साउथ होता है इसको बोलते हैं मकर रेखा, मकर रेखा, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। चलिए अब सवाल एक आएगा कि सर ये बताओ 23.5 डिग्री क्यों भाई साहब, 25 क्यों नहीं, 26 क्यों नहीं, 27 क्यों नहीं। सवाल तो जायज है, ध्यान सुनना। जो पृथ्वी है ना, जो अर्थ है ना, ये ऐसी होना के बजाय थोड़ी सी झुकी हुई है। कैसे? मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये आपके सामने एक डंडा है, ये पूरा बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री है, ठीक है। इस डंडे को थोड़ा सा आपने टेढ़ा कर दिया, और नेक्स्ट ये फोटो नंबर ए है और ये फोटो बी में आपने क्या किया, इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया। तो पहले ये पूरा हो रहा था 90, अब जो इतना एंगल है ये कितना हो गया 23.5, ठीक है, कितना 23.5। यही पृथ्वी, पृथ्वी थोड़ा सा झुकी हुई है, पृथ्वी स्ट्रेट ना होकर थोड़ी सी झुकी है। कितना झुकी है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितना? पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस कारण से जो मकर रेखा और कर्क रेखा है आपका, ये 23.5 डिग्री माना जाता है। क्लियर है? 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। चलिए अब एक और चीज सवाल पूछेगा, दो क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर कितने डिग्री टिल्ट है, कितने डिग्री टिल्ट है पृथ्वी अपने एक्सिस पर, पृथ्वी अपने अक्षांश पर कितने डिग्री झुकी है। आंसर लिखिएगा 23.5 डिग्री झुकी है, ठीक है। पृथ्वी अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी है। और अगर सवाल पूछे कि पृथ्वी अपने एक्सिस पे कितने डिग्री का एंगल बनाती है, कितने डिग्री का एंगल बनाती है, तो कैसे निकालोगे? ये देखो, मान लो ये कोई डंडा सीधे खड़ा था, ये बन रहा था 90 डिग्री, फोटो नंबर ए। फोटो नंबर बी में क्या होगा कि ये डंडा जो सीधे था इसको हमने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, तो ये एंगल कितना हो गया 23.5 हो गया। हमने इसको 23.5 झुका दिया, टोटल कितना होता है, ये जो टोटल होता है ये होता है 90। तो 90 में से 23.5 माइनस कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 66.5। तो अगर आपसे पूछे कि हालत गंभीर है, ओ गॉड, चलो मुझे लगता है इसको ना ऐसा कंधे में डाल के पढ़ाना पड़ेगा मेरे को, है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए। छोटे रूमाल में ना मेरे को अजीब लगता है, बड़े रूमाल लगता हूँ मैं, लुंगी रखता हूँ, लुंगी डांस करता हूँ। चलिए, एक्सिस में अगर पूछे कितने डिग्री झुकी है, कितने डिग्री टिल्ट है, तो आप बोलोगे 23.5 डिग्री टिल्ट है। लेकिन अगर आपसे बोले कितने डिग्री का एंगल बनाती है, तो आप बोलेंगे 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है, हमेशा ऐसा क्वेश्चन आता है। डन है, आसान है, क्लियर है? चलिए डन, चलिए ये हो गया।
ये मैंने आपको बता दिया किसके बारे में, ये मैंने आपको बता दिया अक्षांश के बारे में, अक्षांश रेखाओं के बारे में, मतलब लैटिट्यूड के बारे में, लैटिट्यूड लाइंस के बारे में। आसान है, सिंपल है, क्लियर है। चलिए अब बताता हूं मैं लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। अभी बहुत चीज बताना है इसमें, बहुत चीज बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉन्गिट्यूड क्या होता है? मैंने आपसे बोला कि ये गोला है, एक गोला लें क्या? चलो ये गोला लिया। एक्चुअली मैं ये गोला इस कारण से नहीं ले रहा था क्योंकि इसमें ना ये है, पता नहीं क्या बना है, छोड़ो हटो, नहीं लेते रिस्क, बेवजह पता चले कोई कुछ और गलत समझ लिया, दिक्कत हो जाएगी। चलो ये बनाया गोला, बनाया, इसमें जो ऐसी लाइंस आती हैं ऐसा, इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। और इन लाइंस को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड लाइंस, लॉन्गिट्यूड लाइंस। क्लियर है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको? बोलते हैं देशांतर, और लाइंस को बोलते हैं देशांतर रेखाएं, देशांतर और देशांतर रेखाएं। क्लियर है? सिंपल है। चलिए एक चीज क्लियर हो गई। दूसरा पूछेगा इनकी संख्या कितनी होती है, कितनी संख्या होती है। ये बनाया हमने, ये हो गया बिल्कुल बीच वाली लाइन, इसको बोलेंगे जीरो डिग्री, जो ग्रीनविच रेखा से गुजरता है, ग्रीनविच से, है ना, जीरो डिग्री। ईस्ट ये कहलाएगा ईस्ट, ये कहलाएगा वेस्ट। अगर आप ईस्ट में जाइएगा तो एक दो तीन चार खींचते 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 180 तक आइएगा, इसको बोलेंगे 180 डिग्री ईस्ट, 180 डिग्री ईस्ट। देखिए मैप लगा ना आपके रूम में, है ना, जो फोटो आपकी करीना कपूर की लगी उसको हटा दो आज, आज मैप लगा लेना, ठीक है। उसके बाद वैसे वेस्ट में जाइएगा तो ये जाएगा कितना, 180 डिग्री वेस्ट, और ये पूरा ग्लोब है तो ये पूरा पीछे तक जाएगा, है ना, ठीक है। कितना? तो अगर आपसे पूछे कि लॉन्गिट्यूड लाइंस की संख्या कितनी होती है, लॉन्गिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस, ध्यान से, लॉन्गिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस की संख्या कितनी होती है, अगर आपसे पूछे लॉन्गिट्यूड की संख्या कितनी है तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे देखो भाई जीरो डिग्री एक हो गई, तो जीरो डिग्री मतलब एक लाइन हो गई, एक डिग्री हो गया। डिग्री बात कर रहा हूं मैं, लॉन्गिट्यूड की बात कर रहा हूं, मैं देशांतर की बात कर रहा हूं, मैं देशांतर रेखाओं की बात नहीं कर रहा। जीरो डिग्री मतलब एक हो गया, 180 डिग्री ये हो गया, और 180 डिग्री ये हो गया, तो कितना हो गया, 180 प्लस 180 कितना हो गया, 361। क्लियर है? अगर आपसे पूछे कि लॉन्गिट्यूड की संख्या कितनी होती है, मतलब देशांतर की संख्या कितनी है, तो आप बोलोगे 361। डन। लेकिन अगर आपसे पूछे कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, लॉन्गिट्यूड लाइंस की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या करोगे कि जैसे आपने यहां पे किया था, जीरो डिग्री मतलब एक हो गया था, 180 ये, 180 ये हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 361। लेकिन 361 हो गया। लेकिन याद रखना जो 180 डिग्री ईस्ट है ना वो, और जो 180 डिग्री वेस्ट है वो सेम लाइन है, यहां से ईस्ट जाता है पीछे से जाके, सेम लाइन, एक ही लाइन है। उसको इस साइड से काउंट करते हैं तो 180 डिग्री ईस्ट बोलते हैं, और पीछे से काउंट करते हैं वेस्ट साइड से, 180 डिग्री वेस्ट बोलते हैं। तो इस कारण से अब जब एक ही लाइन को दो बार काउंट कर लिया तो एक माइनस करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 360। अगर आपसे पूछे कि लॉन्गिट्यूड कितना होता तो आप बोलोगे 361, और बोले लॉन्गिट्यूड लाइंस कितना होता आप बोलोगे 360। क्लियर हो गया? आसान है, है ना, डन। चलिए ये हो गया, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, ध्यान से इंपॉर्टेंट बात। चलिए एक दो तीन, हाँ अब देखो ये है लॉन्गिट्यूड, ठीक है। मैं क्यों समझा रहा हूँ ध्यान रखना, कल मानसून कराऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। ये है अक्षांश, ये है जीरो डिग्री अक्षांश रेखा है, ये है एक लाइन, एक दो, और ये बीच में लाइन जीरो डिग्री, ये ग्रीनविच रेखा है, ठीक। एक क्वेश्चन पूछता है कि जो लॉन्गिट्यूड लाइंस होती हैं, जो लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं इनके बीच का डिस्टेंस सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है। ये देखो ये एक लाइन ये आ रही है और एक लाइन ऊपर से आ रही है, कि देखो दोनों के बीच का डिस्टेंस कहाँ पे ज़्यादा है, अगर काउंट करो तो यहाँ पे। तो अगर पूछे आपसे कि जो लॉन्गिट्यूड लाइन है, जो लॉन्गिट्यूड लाइन है इनके जो बीच का डिस्टेंस होता है सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो आप बोलोगे इक्वेटर में होता है। कहाँ पर होता है? इक्वेटर में होता है। पूछेगा लॉन्गिट्यूड लाइंस के जो बीच का डिस्टेंस होता है सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो आप बोलेंगे इक्वेटर में होता है। क्लियर है? एक दूसरा, ये एक दूसरे को कहां पर काटती हैं, तो ये एक दूसरे को यहां पर काटती हैं, नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में, ठीक है। देखो ना, गई मिल गई, यहां से स्टार्ट करेंगे तो यहां मिल जाएंगी, यहां से स्टार्ट करेंगे तो यहां मिल जाएंगी। तो अगर आपसे पूछे कि एक दूसरे को कहां पर काटती हैं, तो आप बोलोगे 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ पर एक दूसरे को काटती हैं, मिल जाती हैं जाके। क्लियर? ठीक है, डन, सिंपल है, आसान है। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैंने मिस कर दी थी, बता देता हूँ मैं, लैटिट्यूड की बात बता देता हूँ। लैटिट्यूड की बात यह है कि जो लैटिट्यूड लाइंस होती है ना, ये पैरेलल होती हैं,
ये पैरेलल होती हैं, ये समानांतर होती हैं, ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। पैरेलल का मतलब यही होता है एक दूसरे को कभी भी नहीं काटना। लंबी खींच दो, दो पैरेलल लाइंस हैं, कभी एक दूसरे को काट ही नहीं सकती हैं, हमेशा चलती जाएंगी। तो जो लैटिट्यूड लाइंस होती हैं पैरेलल होती हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूड लाइन पैरेलल नहीं होती। ये 90 डिग्री में 90 डिग्री साउथ है ना, उसमें एक दूसरे को काटती हैं। आसान है, चलिए ये हो गया। और एक और अच्छी बता दूं कि जो 0 डिग्री लाइन होती है, जो 0 डिग्री लाइन होती है, इससे आप नॉर्थ हेमिस्फेयर में जाओगे या साउथ हेमिस्फेयर में जाओगे, तो जो लैटिट्यूड लाइंस होती हैं उनके बीच का डिस्टेंस थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि 0 डिग्री इक्वेटर से अगर आप नॉर्थ पोल जाते हैं साउथ पोल जाते हैं, तो एक जो लैटिट्यूड लाइंस हैं इनके बीच का डिस्टेंस थोड़ा ही थोड़ा सही, लेकिन बढ़ता जरूर है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्लियर होगी बात। चलिए अगर ये समय आ गया तो कल मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कराऊंगा, ठीक है। अगर टॉपिक मजा आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, तो फिर क्वेश्चन करा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, जो आप बोलोगे वो करा दूंगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आज मानसून कराना था, तो मानसून के पहले ये आपको बताना पड़ेगा, बहुत जरूरी था, क्लियर है। चलिए तो आज के लिए इतने करते हैं, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करना है फेसबुक में, टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, व्हाट्सएप में, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपने चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारी क्लासेस जीके की फ्री ऑफ कॉस्ट यहीं पर मिलने वाली हैं, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को खूब शेयर कीजिए और खूब सपोर्ट कीजिए। मेरा काम पढ़ाना है बेटा, मैं खूब तरीके से पढ़ाऊंगा, ईमानदारी से पढ़ाऊंगा, 100% अपना दूंगा। आपकी जिम्मेवारी है कि आप वीडियो को देखिए। अब आप लाखों लोग हो, मैं सिंगल हूँ, मैं अकेले शेयर करूँगा तो कितने लोग देखेंगे। आप लाख लोग शेयर कर दोगे तो आराम से हो जाएगा। और क्या करना है एक आदमी को, क्या करना है एक आदमी को, कम से कम आपको 10 लोगों को जोड़ना है। आज उठा एक आदमी को, भाई मैं आज 10 लोगों को जोड़ूंगा कैसे भी करके, ऐसा कर दीजिए, बात बन जाएगी, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा, सारी क्लासेस चल रही हैं, A to Z क्लासेस चल रही हैं, सारी बता चुका हूँ टाइम टेबल के हिसाब से। सारी क्लास सुबह 8 बजे क्लास होती है, सुबह 9 बजे क्लास होती है, 12 बजे क्लास होती है दोपहर को, 2 बजे दोपहर को, 5 बजे दोपहर को, 8 बजे दोपहर को, और उसके बाद में आपका 12 बजे रात को। तो अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय।